अभी यहाँ जो वन मंत्री हैं, वन और पर्यावरण मंत्री राजकुमार रेणवा, उनकी प्रेरणा से यहाँ कुछ और दुर्लभ पेड़ पौधे कल्पतरु सेवा संस्थान की ओर से यहाँ कल ही रुद्राक्ष और चंदन के कुछ पेड़ आए हैं, उनको भी हम यहाँ लगाएंगे और इसको एक भारत की अद्वितीय पहाड़ी के रूप में विकसित करने की एक परिकल्पना है। मेरा नाम साध्वी योगश्री है, महाराज जी की शिष्या हूँ। वर्तमान में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र से PhD कर रही हूँ। यहीं कोट बांध पर मेरा निवास स्थान है। ये ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। जमदग्नि, इंद्र, रावण आदि ने यहाँ तपस्या की है। हमारा भी यही प्रयास है कि हम इसे एक तपस्थली के रूप में ही विकसित करें और एक साधना केंद्र बनाएं।